नीचे आ रहा है समर 2016, ये सीफर का सवाल है बच्चों, ठीक हो गया जी। ये फाइनल के सीफर टू कॉर्पोरेट लॉ का सवाल है। सन एनर्जी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी 2016। द स्टैचुरी मीटिंग ऑफ SEL इज स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 9 जून 2016। द स्टैचुरी रिपोर्ट टू बी प्रेजेंटेड टू द शेयर होल्डर हैज बीन सेंड बाय द CFO, द CEO एंड अ नॉन एज डायरेक्टर ऑफ द कंपनी ऑन 20 मई 2016। हाउएवर द ऑडिटर ऑफ द कंपनी हैव रिफ्यूज्ड टू वेरीफाई द स्टेटमेंट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स ऑन द ग्राउंड्स दैट अ पेमेंट ऑफ ₹12 मिलियन डेटेड 12 मई 2016 हैज नॉट बीन included in it. The CFO contends that the payment had not been included because the contract against which the check was issued has been cancelled with the mutual consent and the party has returned the payment by way of a pay order dated 20 May 2016. In the light of the provision of Companies Act, comment on the observation of the auditors and the contention of the CFO, identify the non-compliances by the SEL in the above circumstances. ये एक सवाल है प्यारे बच्चों, ये फाइनल का सवाल है। मैं आपको एक बात थोड़ी सी रिपीट कर दूं, कैंप में पास्ट पेपर्स अगर बहुत पुराने अगर आप देखेंगे, जो कि आगे इसी टॉपिक के बाद पास्ट पेपर्स आ रहे हैं, तो वो बहुत ही जेनेरिक और सिंपल और क्या कहते हैं, क्योंकि अब लॉ का एक पूरा 100 नंबर का सब्जेक्ट बन चुका है प्यारे बच्चों। तो अब जो सवाल एक्सपेक्टेड होंगे वो इस, अगर इसको आप देखेंगे ना प्यारे बच्चों, आपको रियलाइज होगा कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। इस सवाल को 10 मिनट दे रहा हूं। हमारे पास सवाल है, सन एनर्जी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 जनवरी, द स्टैचुरी मीटिंग ऑफ SEL इज स्केड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 9 जून 2016। तो अगर 1 जनवरी को बनी है, इनकॉर्पोरेट हुई है, तो अगर सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखो विद इन 9 और 24। अच्छा, चूंकि ये सवाल कंपनीज एक्ट से पहले का है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लॉ में कुछ, तो पहले तो मैं ये कह दूंगा कि यार मीटिंग आपकी, अच्छा वो क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द नॉन कंप्लायंसेस, पहले नॉन कंप्लायंस कि मीटिंग आपने सेक्शन मेंशन करा कि मीटिंग कब होनी चाहिए, मीटिंग इस टाइम के दौरान होनी चाहिए, मीटिंग इस टाइम के दौरान हो रही है। तो विद इन, आप कहोगे एक चीज, मुझे एक और चीज देखनी पड़ेगी, क्या देखनी पड़ेगी, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के, कमेंसमेंट बिजनेस के 1 साल। ये ऐसा नहीं कि आप ये लिख देंगे तो आपने मुझे नहीं बताया, आप कहेंगे यार मुझे इस चीज को भी कंसीडर करना चाहिए, बिकॉज व्हिच एवर इज, अच्छा जबरदस्त, द स्टैचुरी रिपोर्ट टू बी प्रेजेंट टू द शोल्डर हैज बीन साइंड बाय द CFO, द CEO एंड अ डायरेक्टर। चले ये रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, कब साइन किया है स्टैचुरी रिपोर्ट को, किस तारीख को साइन किया गया है, 20 मई 2016। डन हो गया, मीटिंग कब होने जा रही है, 9 मुझे तो लिखने दो ना यार, ये मीटिंग की डेट है, सही है, डन हो गया प्यारे बच्चों। अच्छा, However, the auditor company have refused to verify the statement received payments on the grounds that payment of ₹12 million dated 12 में, हाँ जी dated 12 मई 2016 has not been included. 12 मई 2016 में पेमेंट हुई है, उसको इंक्लूड नहीं किया गया है, डन हो गया भाई यहाँ तक। अच्छा, द सी एफ ओ कंटेंड्स दैट द पेमेंट हैड नॉट बीन इंक्लूडेड बिकॉज द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट विच द चेक वाज इश्यूड हैड बीन कैंसल्ड विद अ म्यूचुअल कंसर्न्स एंड द पार्टी हैज रिटर्न्ड द पेमेंट बाय वे ऑफ अ पे ऑर्डर डेटेड 20 मई 2016। तो 20 मई 2016 को उसने पेमेंट वापस से क्या कर दी है, रिटर्न कर दी है। जब 20 मई को उसने पेमेंट रिटर्न कर दिया, तो मैंने ना उसको डेबिट लिया ना मैंने क्रेडिट लिया। सवाल की रिक्वायरमेंट है, इन द लाइट ऑफ द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट यू आर रिक्वायर्ड टू कमेंट ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द ऑडिटर्स एंड द कंटेंशन ऑफ द CFO। हाँ जी, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज, अच्छा अगेन वही सवाल थोड़ा सा पुराना है, ICAP अगर कंपनी एक्ट के हिसाब से पूछेगा तो 12 मई की जगह कौन सी डेट लिख देगा, चले यार समझ आ रही है बात, ICAP कौन सी डेट लिखेगा, सेकंड। वो ये कह रहा है
कि जिस सेकंड में भी पेमेंट हुई है और वो पेमेंट क्या हो चुकी है, रिटर्न हो चुकी है। आपने यहाँ पे, अब मैं सेकंड में की डेट से आपको समझा रहा हूँ, सेकंड में की डेट के हिसाब से इसका आंसर ये होगा कि भाई ऑडिटर की कंटेंशन बिल्कुल सही है। क्यों सही है? बिकॉज एसेट पे आपने उसको रिसीट्स एंड पेमेंट बतानी पड़ेगी, तो जो रिसीट्स एंड पेमेंट की डेट होगी, तो जो स्ट्रेचरी रिपोर्ट मीटिंग की डेट से, नहीं मीटिंग की डेट से पहले स्ट्रेचरी रिपोर्ट, स्ट्रेचरी रिपोर्ट से 15 डेज तक और इससे ज्यादा आउटडेटेड नहीं होना चाहिए। चूंकि यहाँ पे कौन सी पेमेंट कब हुई है, सेकंड मई को, तो ये स्ट्रेचरी रिपोर्ट में इंक्लूड होनी चाहिए और आपके पास जो स्ट्रेचरी रिपोर्ट बनेगी वो कौन सी बनेगी, नहीं नहीं 19 मई पे नहीं बनेगी, 20 मई से पहले, बच्चो नहीं रिसीट्स एंड पेमेंट्स की बात कर रहा हूँ, 15 दिन पहले लिखा हुआ है ना, तो 15 दिन पहले, इसका मतलब लेट से 5 मई तक या 4 मई तक जितनी भी रिसीट्स एंड पेमेंट हुई है वो सारी की सारी आपने इंक्लूड करनी है। पेमेंट अगर 4 मई तक कर दी है आपने, 4 मई से पहले कर दी है, वो आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। रिसीट्स अगर 4 मई के बाद आ रही है और वो अगर आपकी डेट पे फॉल नहीं कर रहा, तो उसको इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है। ऑडिटर की कंटेंशन बिल्कुल सही है कि ये जो पेमेंट है ये इंक्लूड होगी, इसलिए इंक्लूड होगी बिकॉज स्ट्रेचर रिपोर्ट का एक कंटेंट है जिसका नाम है रिसीट्स एंड पेमेंट्स, वो 14 दिन से ज्यादा आउटडेटेड नहीं होना चाहिए। मैं वापस से आपको समझा दूं जो मैंने उस वक्त आपको समझाया था, सुन ले मेरी बात, मैं आपको वापस से समझा देता हूँ। अगर एक स्ट्रेचर रिपोर्ट का एक कॉन्टेंट होता है जिसका नाम है रिसीट्स एंड पेमेंट, सही है, ये स्ट्रेचर रिपोर्ट किसके साथ एनेक्स्ट होगी, नोटिस के साथ। जब नोटिस के साथ एनेक्स्ट होगी तो ये मैंने आपको नोटिस दिया, तो नोटिस के अंदर स्ट्रेचर रिपोर्ट भी लगी, क्योंकि स्ट्रेचर रिपोर्ट में रिसीट्स एंड पेमेंट। जब मैंने नोटिस आपको 20 मई को दिया, लेट्स से नोटिस मैंने आपको कब दिया, 20 मई को मैंने अगर आपको नोटिस दिया है लेट्स से, तो इसका मतलब यह है कि यार मैं 20 मई तक बैठ के तो रिसीट पेमेंट कैलकुलेट नहीं करूंगा, तो 20 का दिन पूरा गुजर जाएगा, फिर वापस 21 आ जाएगा, फिर 21 के दिन बैठ के सारे पूरे 5 बजे का वेट करूँ कि 6 खत्म हो तो रिसीट पेमेंट करूँ सारी बार। तो यहाँ पे आपको लॉ ने गुंजाइश दी है कि जिस दिन आप नोटिस भेज रहे हैं, जो स्ट्रेचर रिपोर्ट की डेट आ रही होगी एज एट पे, वो डेट 15 दिन से ज्यादा आउटडेटेड नहीं होनी चाहिए, वो डेट 15 दिन से ज्यादा आउटडेटेड। इसका मतलब है कि अगर मैं आज आपको नोटिस भेज रहा हूँ, या आज स्ट्रेचर रिपोर्ट की डेट 20 में है, तो इसका मतलब है इसके अंदर जो रिसीट्स हैं पेमेंट्स आ रही होंगी ये 5 मई या 4 मई, जो भी एक डेट आएगी 4 या 5 मई तक आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ये बोले कि मैं 30 अप्रैल तक मैंने रिसीट्स एंड पेमेंट बताई, तो स्ट्रेचर रिपोर्ट पे डेट 20 मई की आ रही है और पेमेंट आप कब तक बता रहे हैं, रिसीट्स कब तक बता रहे हैं, 30 अप्रैल तक। तो ये जो 20 दिन का फर्क आ गया, ये 14 दिन से या 15 दिन से एक्सीड कर चुका है, ये अलाउ नहीं है। तो इसका मतलब है आप ये कहेंगे ऑडिटर बिल्कुल, पहली बात तो ये 2 मई की पेमेंट 14 दिन से बियॉन्ड जा चुकी है, तो ये तो अलाउ नहीं है। रिसीट्स एंड पेमेंट 14 दिन से ज्यादा आउटडेटेड नहीं होनी चाहिए। जब नहीं होनी चाहिए इसको तो आपने इंक्लूड करना पड़ेगा, सेकंड सबसे बड़ा मसला क्या है मेरे भाई, सुन लो, सेकंड सबसे बड़ा मसला क्या, मीटिंग कब हो रही है, स्ट्रेचर रिपोर्ट में डेट कौन सी आ रही है, इसका मतलब है 21 दिन के नोटिस की रिक्वायरमेंट तो पूरी नहीं हो रही, 21 दिन के नोटिस की रिक्वायरमेंट मेरे भाई। अगर आज मैं कह रहा हूँ, आज डायरेक्टर ने डेट डाली है, तो मैं वर्स्ट में बेस्ट सिनेरियो भी ले लूं, जब आज डेट डाली है तो इसका मतलब है आज ही सेंड हुआ होगा। अगर मैं आज भी सेंड करूं नोटिस के साथ, स्ट्रेचर रिपोर्ट में डेट कौन सी आ रही है, 20 में, स्ट्रेचर रिपोर्ट में कौन सी डेट आ रही है, जब डेट डालूंगा तभी तो भेजूंगा, जब डेट डालूंगा साइन करूंगा तभी तो भेज। अगर मैं आज 20 मई को भी भेजू, 19 मई को भेज सकता हूँ, नहीं भेज सकता, क्योंकि साइन ही नहीं हुआ 19 मई को, साइन ही नहीं हुआ, डायरेक्टर ने कब साइन करें, 20 मई को। तो मतलब अगर मैंने आज साइन करा तो उसका मतलब आज ही भेजा होगा, बेस्ट सिनेरियो ले रहा हूँ। तो 20 मई को भी कंसिडर कर लो, तो मई के 10 दिन, वहां के 9 दिन, 21 दिन की रिक्वायरमेंट, वहां के 8 दिन, 21 दिन की रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हो रही। स्टैच्यूटरी जनरल मीटिंग की रिक्वायरमेंट है कि नोटिस कितने दिन पहले जाना चाहिए प्यारे बच्चों, एटलीस्ट 21। ये आपने एक नॉन कंप्लायंस आइडेंटिफाई करी। दूसरी नॉन कंप्लायंस आपने ये आइडेंटिफाई करी, क्या आइडेंटिफाई करी, कि जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स बनी हुई है वो 14 दिन से
बियॉन्ड की बनी हुई है वो बहुत आउटडेटेड है, वो आउटडेटेड नहीं हो सकती। क्या यहां तक बात समझ आ रही है? एक बार स्ट्रेचर मीटिंग का सेक्शन खोलें। ये मेरी बात समझने की कोशिश करिए, क्या क्या है सब सेक्शन टू में, केस नंबर 123 सब सेक्शन टू। सब आगे मेरे भाई। द नोटिस ऑफ अ स्टैट्यूटरी मीटिंग शैल बी सेंड टू द मेंबर एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द डेट फिक्स्ड फॉर, इसका मतलब है मीटिंग वाले टाइम आप काउंट नहीं करेंगे, तो मतलब 9 जून काउंट नहीं करेंगे तो 8 दिन हो गए वहां पे। Along with a, इसका मतलब है नोटिस के साथ एक चीज एनेक्स होने जा रही है जिसका नाम क्या है मेरे भाई, स्ट्रेचिंग रिपोर्ट। अभी सुनिएगा, द स्ट्रेचिंग रिपोर्ट शैल स्टेट, ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी क्या लिखता है, एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रिसीट्स ऑफ द कंपनी एंड ऑफ द पेमेंट्स मेड देयर आउट अप टू अ डेट विद इन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। इट मीन्स उस दिन तक लेना है कि वो दिन और जो स्ट्रेचिंग रिपोर्ट की डेट आ रही है उसके 15 डेज होना चाहिए, 15 डेज से बियॉन्ड नहीं होना चाहिए। स्ट्रेचिंग रिपोर्ट पे कौन सी डेट आ रही है, जो स्ट्रेचिंग रिपोर्ट पे कौन सी डेट आ रही है, 20 में। इसका मतलब है आपने एटलीस्ट 5 मई तक पेमेंट्स को लेना होगा, 5 मई तक जितनी भी रिसीट्स एंड पेमेंट्स हुई है उसको आपने लेना होगा। आपने अगर 4 मई या 3 मई कर दिया तो ये विद इन 15 डेज नहीं। आप समझने की कोशिश करिएगा, 5th मई तक तो आपने रिसीट्स एंड पेमेंट लेनी है, चूंकि 2nd मई को पेमेंट हो गई है इसको लेना पड़ेगा, 5th मई के बाद आपको रिसीट्स हुआ है उसको लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं, बिकॉज लॉ कहता है रिसीट्स एंड पेमेंट्स आपका 15 डेज से ज्यादा आउटडेटेड नहीं होना चाहिए। मैं वापस पढ़ लेता हूँ आपके साथ इस सेक्शन को, एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द रिसीट्स ऑफ द कंपनी एंड ऑफ द पेमेंट मेड देयर आउट अप टू अ डेट विदिन 15 डेज ऑफ द, विदिन 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ द रिपोर्ट। तो जिस दिन की रिपोर्ट है उसको भी काउंट करना है, उससे प्रीवियस आपने 15 दिन को लेके चलना है। जो डेट आपके पास निकल के आएगी प्यारे बच्चों, उस डेट तक जितनी भी रिसीट्स एंड पेमेंट्स है उसको आपने लाजमी इंक्लूड करना है, उससे बियॉन्ड तो आप जा ही नहीं सकते। अगर 20 मई के स्ट्रेचिंग रिपोर्ट की डेट है, मैं 18 मई तक दे सकता हूँ अगर बनी हुई है तो, अगर 20 मई की स्ट्रेचिंग रिपोर्ट है तो मैं 18 मई तक दे सकता हूँ, मैं 19 मई तक दे सकता हूँ, मैं 20 मई तक दे सकता हूँ, मैं 3 मई की या 2 मई की या जून की या अप्रैल की नहीं दे सकता। 15 दिन से ज्यादा की आउटडेटेड रिसीट्स एंड पेमेंट्स, आउटडेटेड का मतलब समझ रहे हैं ना कि जी जो मीटिंग जिस जो रिपोर्ट की डेट है, रिपोर्ट की डेट से पहले जो 15 दिन है उसमें क्या करना है, उस दौरान तक आप कभी भी कह सकते हैं कि रिसीट्स एंड पेमेंट एग्जैक्ट या रिसीट्स एंड पेमेंट फॉर द ईयर, सही है। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रेचिंग रिपोर्ट मेरे पास 20 मई को होने जा रही है तो स्ट्रेचिंग रिपोर्ट में बहुत बड़ी डेट आ रही होगी 20 मई की, इसका लिखा हुआ आ रहा होगा कैश कितना रिसीव्ड, दूसरा शेयर, ये तो वो चीजें हैं, ये सुनिएगा, ये तो वो चीजें जो 4 महीने पहले हुई थी। कब हुई थी, कब हुई थी 4 महीने पहले, जब कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ले लेगा। एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, तो जिसमें रिक्वायरमेंट लिखी हुई थी कि जी अगर आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए तो आपको रजिस्ट्रार को ये बताना पड़ेगा कितने शेयर एलोकेट हुए हैं। तो ये तो नंबर बहुत पहले का निकला, ये चेंज थोड़ी होगा, शेयर हर दिन थोड़ी इशू कर रहा हूँ, शेयर तो हर दिन इशू, तो यहाँ पे तो कोई मसला ही नहीं है, कैश रिसीव शेयर एलोकेशन। 20 मई की स्ट्रेचिंग रिपोर्ट है, हाँ फॉर एग्जाम्पल 20 मई की है, मुझे 1 जनवरी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिला था, जब मेरा बिजनेस कमेंस हो चुका है तब तक मैं सप्लायर को पेमेंट भी कर रहा हूँ, मुझे कस्टमर से पैसे भी रिसीव हो रहे होंगे, मैं लेबर को भी पे कर रहा हूँ, मैं सिक्योरिटी गार्ड को भी पे कर रहा हूँ, मैं खाना पीना भी सारे ही एक्सपेंडिचर कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है एक रिसीट्स आ रही होंगी, एक पेमेंट्स। ये रिसीट्स पेमेंट की डेट कब तक की होनी चाहिए, 1 जनवरी फ्रॉम फॉर द पीरियड 1 जनवरी टू 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 19 में कर सकता हूँ,
जल्दी जवाब दे, 19 में कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, 18 में कर सकता हूँ, 17, 16, 15, जितना ये जो आप करे जा रहे हैं करते रहे, लेकिन बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, जिस जो स्ट्रेचिंग रिपोर्ट की डेट है 15 दिन के बियॉन्ड ये नहीं जाना चाहिए, जहां 15 दिन के बियॉन्ड चला गया उसमें आप शेयर होल्डर को आउटडेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और रिसीट्स एंड पेमेंट हुई होगी और बड़ी पेमेंट। तो अब मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैक्सिमम टाइम मेरे पास लेट से कौन सा अवेलेबल है, 5th। तो ये रिसीट्स एंड पेमेंट 5th में तक होनी चाहिए, तो इसका मतलब है एक पेमेंट हुई है कब, 2nd मई को, कहीं इंक्लूड होनी चाहिए, लास्ट होनी चाहिए, 5th मई तक है भाई, 5th मई तक है, और एक रिसीट्स आपको हो रही है किस दिन को हो रही है, 20 मई को, क्या ये इंक्लूड होनी चाहिए, अगर इसकी डेट 5th में आ रही है तो ऐसा नहीं हो सकता पेमेंट आप 2nd तक रखें और रिसीट्स आप 20 तक रखें, ऐसा नहीं, दोनों जगह आप प्रिंसिपल सेम रखें। अगर आप सीएफओ क्या कहेंगे, आप सीएफओ कहेंगे ठीक है आप स्टेटमेंट रिपोर्ट रिसीट्स एंड पेमेंट आप 20 मई तक कर, फिर बकिया पेमेंट्स भी एड करें, क्या यहां तक बात आपके समझ आ रही है, तो ये जो आप सेक्शन कहते हैं, अब देखिए फाइनल में कैसे पूछा जाता है इसको, फाइनल में इस तरीके से पूछा जाता है, और इस पूरी जगह पर नोटिस का एक वर्ड भी यूज नहीं हो रहा, नोटिस का सेक्शन अप्लाई, खुदा का वास्ते समझने की कोशिश करें, एक सेक्शन पढ़ें, सब सेक्शन 3, द स्टैट्यूट रिपोर्ट शैल, हाँ जी, शैल स्टेट एन एब्स्ट्रैक्ट ऑफ द रिसीट्स ऑफ द कंपनी एंड ऑफ द पेमेंट मेड देयर आउट अप टू अ डेट विद इन 15 डेज ऑफ द क्या लिखा हुआ है, डेट ऑफ द रिपोर्ट। तो इसका मतलब है जब मैं शेयरहोल्डर को कह रहा हूँ तो मैं कहूंगा स्टैट्यूट रिपोर्ट एज एट 20 मई की बनी हुई है, जब तक रिपोर्ट पे डेट ही नहीं आएगी साइन नहीं होगी, जब तक साइन नहीं होगी तो मतलब है नोटिस तो सेंड क्यों नहीं हो सकता, बिकॉज रिक्वायरमेंट क्या है बच्चों, जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे आखिर में लिखा हुआ है एंड सर्टिफाइड बाय द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एटलीस्ट वन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड इन द केस ऑफ अ लिस्टेड कंपनी आल्सो बाय द चीफ, तो सीएफओ ने चीफ एग्जीक्यूटिव साइन कब किया, सवाल में लिखा हुआ है कब साइन किया, 20, अगर 20 मई को भी उन्होंने साइन किया, और मैं रिज्यूम करता हूँ कि 20 मई को ही क्या हो चुका है, बेस्ट एस्टिमेट ले रहा हूँ, बेस्ट असम्पशन ले रहा हूँ, 20 मई को ही सेंड हो चुका है, तो इसका मतलब है मीटिंग 19 दिन बाद होनी है, तो ये जो रिक्वायरमेंट 21 दिन की इसको आपने पूरा नहीं करा, ये भी एक इनरेगुलरिटी है। सेकंड चीज, सीएफओ कह रहा है ये पेमेंट तो हुई है लेकिन रिसीट भी हो गई है, तो भाई जब पेमेंट हुई है तो जो कट ऑफ की डेट बता रहे हो वहां तक पेमेंट हो चुकी है, रिसीट उस डेट के बाद, अगर तुमने कट ऑफ की डेट बढ़ानी है तो तुम कट ऑफ की डेट बढ़ाओ, लेकिन बकिया रिसीट्स है पेमेंट्स भी आपको मेंशन करने पड़ेंगे, क्या यहाँ तक बात, सिंपल सी अकाउंटिंग है यार, ऐसा नहीं हो सकता मैं रिसीट्स 5 मई तक लूँ और पेमेंट 15 मई तक लूँ, दोनों की डेट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, क्या यहाँ तक, तो आप उसको कह सकते हो सीएफओ को ठीक है तुम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो आ रही है उसमें जो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसीट पेमेंट आ रहा है वो तुम 20 मई तक कर, तो फिर तुम्हारी बात मैं मान लूंगा, पेमेंट साइड पे भी 10 मिलियन दिखा दो, रिसीट साइड पे भी, लेकिन फिर 20 मई तक सारे के सारे रिसीट्स एंड पेमेंट दिखा लेंगे, ऐसा नहीं तुम कह सकते कि 2 मई को पेमेंट हुई है और 19 मई को रिसीट्स हुई है तो मैं क्या कहते हैं दोनों पेमेंट्स नहीं ले रहे हैं इसलिए, बिकॉज नेट पे तो कोई इंपैक्ट पड़ नहीं रहा, डेट आपको एक कंसीडर करनी पड़ेगी, ये वही वाली बात है कैश फ्लो समझे, आप जब एक कंपनी का कैश फ्लो बनाते हो फॉर द ईयर एंडेड का, तो फॉर द ईयर एंडेड क्या होता है, कहते हैं दिसंबर 2021, तो अगर आपने फॉर एग्जाम्पल सप्लायर को पेमेंट कर दी 31 दिसंबर को तो कैश फ्लो में इंपैक्ट आ चुका, सप्लायर ने 4 दिन बाद अगर रिटर्न करे वो कैश फ्लो में इंपैक्ट थोड़ी आ रहा होगा, सप्लायर ने 4 दिन बाद पेमेंट आपको वापस कर दी कि लेट से मेरे पास तो माल नहीं है मैं तो मान सकता, तो क्या आप कैश फ्लो में लिखेंगे, ये आप कैश फ्लो में क्यों नहीं करेंगे, फॉर द ईयर एंडेड है ना यार, कि भाई 31 दिसंबर तक जो हुआ वो, हालांकि टेक्निकली देखा जाए नेट पर कोई कैश का इंपैक्ट नहीं पड़ रहा, लेकिन बात ये पड़ रहा है 31 दिसंबर को पड़ा था आपके पास ये पैसे मौजूद नहीं थे, 4 दिसंबर को ये 4 जनवरी को ये पैसा आपके पास वापस आ चुका था, कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड है तो इसका मतलब है, हाँ फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि नहीं यार मैं तो ये रिकॉर्ड ही नहीं करूँ, आप ऐसा कह ही नहीं सकते कि मैं रिकॉर्ड नहीं करूँ, आप 4 जनवरी पे जब कैश फ्लो बनाओगे इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, 31 दिसंबर में जब कैश फ्लो बना रहे हो तो उस पर तो ये लास्टली एक इम्पैक्ट आ रहा होगा प्यारे बच्चों, के यहाँ तक बात समझ आती है, इस चीज को समझने की कोशिश करें। एक और सवाल है हमारे पास इसी के ऊपर आ रहा है, सुन रहे क्लास ऑफ है, ये सवाल आपने क्या करना है,
ये आपका होमवर्क है जो क्वेश्चन नंबर 5 में प्यारे बच्चे, ये भी आपका होमवर्क है। और मीटिंग्स के एंड में कुछ पास्ट पेपर्स आ रहे हैं, ये आपने सारे सवाल कल की क्लास से पहले क्या करके आना है, जल्दी जल्दी पढ़ के आना है, या आपने खुद पढ़ के आना है ताकि कल के सवाल में सुकून से बैठ के फिर पास्ट पेपर्स का मजीद ड्रॉप कर सके। हमने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन पास्ट पेपर सेम हो रहे होंगे, कुछ नए पास्ट पेपर्स होंगे। अगली क्लास में बैठ के हमने क्या करना है, अगली क्लास में बैठ के सेव फाइल का सवाल भी करना है, और जो कैफ के पास्ट पेपर आए हुए उनको भी। लेकिन अच्छा तब हो जाएगा जब आप खुद घर से एक बार उसको पढ़ के आ जाएंगे। चलिए जी, थैंक यू सो मच।